So last time we have started this unit of physical chemistry of standard 11 chemistry, that is some basic concepts of chemistry. We have defined some common terms involved in chemistry. Let's make a common term, the matter. Matter can be defined as substance. Substance can be defined as anything which has some mass and which occupies some space. और ये जो मैटर है, ये मैटर के दो क्लासिफिकेशन अपने को लेने के थे. उसमें का पहला क्लासिफिकेशन अपने पिछले टाइम लिया था, और ये जो क्लासिफिकेशन है मैटर का, ये मैटर के स्टेट पर किया गया क्लासिफिकेशन है. नॉर्मल कंडीशन में मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैसीय स्टेट में से कोई भी एक स्टेट में, या कभी कभी दो स्टेट में, और कभी कभी एक साथ में तीन स्टेट में भी एग्जिस्टेंस में रह सकता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस. तो यहाँ पर अपने को मैटर की तीन ही स्टेट लेने की थी जो अपने पिछले टाइम ली थी, और वो तीन स्टेट्स मैटर की है ना, मैटर इन सॉलिड स्टेट, मैटर इन लिक्विड स्टेट, मैटर इन गैसीय स्टेट. इन तीनों में का डिफरेंस, उसका रीजन वगैरह अपने लिया था, इनका अपने इंटर कन्वर्शन भी लिया था. मैटर इन सॉलिड स्टेट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, मैटर इन लिक्विड स्टेट हैज no definite shape but has definite volume, and matter in gaseous state has neither definite shape nor definite volume. And the reason behind this is intermolecular forces of attraction existing between the molecules of matter. Matter consists of large number of small particles, maybe atoms, maybe molecules, or maybe ions. बट इन जनरल अपन सभी को मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे, और मैटर में मैटर के जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे वो भी अलग अलग टाइप के हैं. दोज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड स्टेट, कंपैरेटिवली वीकर इन लिक्विड स्टेट, एंड नेग्लिजिबल इन गैसियस स्टेट. और दूसरा फैक्टर है काइनेटिक एनर्जी. मैटर में के जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दे पजेस सम काइनेटिक एनर्जी, उसके भी अलग अलग टाइप्स है. सॉलिड स्टेट में मैटर में के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहेंगी, करीब करीब जीरो रहेंगी. लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली उससे ज्यादा रहेंगी, और गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहेंगी. तो ध्यान में रखना है कि सॉलिड स्टेट में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांगेस्ट है, और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के मिनिमम ऑलमोस्ट जीरो है. और गैसियस स्टेट में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट रहते, निग्लिजिबल रहते, ऑलमोस्ट जीरो, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती. और ये जो मैटर की तीन स्टेट्स है, इनका एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है. अगर अपन ने सॉलिड को हीट किया तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्शन हो सकता है, लिक्विड को हीट करने के बाद में उसका गैसियस स्टेट में कन्वर्शन हो सकता है. कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं कि जिनको हीट करने के बाद में उनका डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्शन होता है. सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैसियस में, या सॉलिड का डायरेक्टली गैसियस स्टेट में अगर अपने को कन्वर्शन करने का है तो अपने को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. ये जो कन्वर्शन है, ये सभी के सभी कन्वर्शंस एंडोथर्मिक प्रोसेसेस है जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, हीट अपने को सप्लाई करनी पड़ती है. इसके उल्टा गैस का लिक्विड में कन्वर्शन हो सकता है. गैस को अगर अपने कूल किया, कंप्रेस किया, तो उसका लिक्विड में कन्वर्शन हो सकता है. लिक्विड को कूल किया तो उसका सॉलिड में कन्वर्शन हो सकता है. कुछ गैस या वेपर्स को कूल या कंडेंस करने के बाद में उनका डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन होता है. और ये जो अपोजिट प्रोसेसेस है, ये सभी अपोजिट प्रोसेसेस कन्वर्शंस एक्सोथर्मिक है, इनमें हीट इवॉल्व होगी. कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग ऑफ दैट सॉलिड और फ्यूजन ऑफ दैट सॉलिड. कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन. डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू इट्स वेपर्स इज कॉल्ड सब्लिमेशन. कन्वर्शन ऑफ गैस और वेपर्स ऑन कूलिंग, ऑन कॉम्प्रेसिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन
or liquefaction. Conversion of liquid into solid is known as freezing, and conversion of gaseous matter or vapor state of matter into directly solid state is called deposition. At this particular temperature per solid ka temperature or pressure per solid ka liquid mein conversion hota hai, wo uska melting point. Jis temperature per liquid ka solid mein conversion hota hai, wo uska freezing point. Jis temperature per liquid ka uske vapor mein conversion hota hai, wo uska boiling point. Ye terms apan le liye the. Iska ek simplest example hai H2O. H2O ye jo matter hai, ये मैटर सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्टेंस में रह सकता है, लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है, या गैसीय स्टेट में भी रह सकता है. और एक बात अपन ने देखी थी कि मैटर कौन से स्टेट में एग्जिस्टेंस में रहेगा, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड है. एक फैक्टर है प्रेशर और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर. सो द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब ये जो मैटर है H2O, ये सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है, लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है, और गैसीय स्टेट में भी रह सकता है. और ये जो मैटर है इसके तीन अलग अलग स्टेट में के नाम स्पेशल है. H2O इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड आइस, H2O इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वाटर, एंड H2O इन गैसीय स्टेट इज कॉमनली नोन एज स्टीम. और आइस एंड H2O सॉलिड, H2O ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखना, वाटर H2O in liquid state, or steam and H2O in gaseous state. और ये जो आइस है, इस आइस का melting point है 0 degree Celsius at 1 atmospheric pressure, and इस pressure पर और इस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होता है और उसका वाटर में कन्वर्शन होता है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इस टेम्परेचर पर वाटर का बॉइलिंग होता है, वाटर का स्टीम में कन्वर्शन होता है. इसी टेम्परेचर पर स्टीम का वाटर में कंडेंसेशन भी हो सकता है, यानी इस टेम्परेचर और प्रेशर पर यह प्रोसेस रिवर्सिबल है. वाटर का स्टीम में और स्टीम का वाटर में कन्वर्शन होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, या वाटर और स्टीम के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर H2O यह सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में भी रहता और गैसियस फॉर्म में भी रहता है. एक साथ में दो स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है. H2O एग्जिस्ट एज लिक्विड एज वेल एज गैसियस एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आइस का वाटर में कन्वर्शन होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, और ये टेम्परेचर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी है. यानी इसी टेम्परेचर पर वाटर का आइस में कन्वर्शन भी हो सकता है. मतलब इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर H2O ये एक साथ में दो स्टेट में एग्जिस्टेंस में रहता है, सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी, और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है. तो मैटर एक साथ में दो स्टेट में भी एग्जिस्टेंस में रह सकता है, वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड रहेगा. इस टेम्परेचर और प्रेशर पर H2O ये मैटर सॉलिड स्टेट में भी रहेगा और लिक्विड स्टेट में भी रहेगा. इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर H2O ये सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्टेंस में रहेगा और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्टेंस में रहने वाला है. अब तो ये टेम्परेचर, अगर H2O ये जो सब्सटेंस है इसका टेम्परेचर अगर 0 से कम है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये H2O डेफिनेटली सॉलिड स्टेट बनेगा. इस टेम्परेचर और प्रेशर पर H2O ये सॉलिड स्टेट में भी रहेगा और लिक्विड स्टेट में भी रहेगा. टेम्परेचर अगर H2O का 0 से ज्यादा है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा. H2O का टेम्परेचर अगर
100 डिग्री सेल्सियस है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो H2O लिक्विड स्टेट में भी रहेगा और गैसीय स्टेट में भी रहेगा। H2O का टेम्परेचर अगर 100 से ज्यादा है तो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो H2O सिर्फ स्टीम के फॉर्म में यानी वेपर स्टेट में रहेगा। और मैटर के लिए ट्रिपल पॉइंट भी रहता है, ट्रिपल पॉइंट यानी टेम्परेचर और प्रेशर की ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन पर एक ही मैटर तीनों स्टेट में एक साथ में एग्जिस्टेंस में रहता है, तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। जैसे वाट H2O, H2O ये जो सब्सटेंस है इस सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान में रखना, H2O का जो ट्रिपल पॉइंट है वो ट्रिपल पॉइंट है 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 4.58 मिलीमीटर प्रेशर। यानी ये जो सब्सटेंस है H2O इसका टेम्परेचर अगर 0.01 डिग्री सेल्सियस है और उसके ऊपर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो अगर 4.58 मिलीमीटर है तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर H2O सॉलिड स्टेट में भी रहेगा, लिक्विड स्टेट में भी रहेगा और गैसीय स्टेट में भी रहेगा, इन तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। और ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O। तो ये था पहला क्लासिफिकेशन मैटर का, फिजिकल क्लासिफिकेशन उसके स्टेट के बेसिस पर किया गया इन विच मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस विद सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। मैटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है, मैटर में कौन से पार्टिकल्स है, एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, एक ही टाइप के हैं या अलग अलग टाइप के हैं, इसके बेसिस पर किया गया मैटर का क्लासिफिकेशन, इसको अपन कहेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ द मैटर। और ये जो कंपोजिशन के बेसिस पर किया गया मैटर का क्लासिफिकेशन है इसमें मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सटेंस। इसमें मैटर या सब्सटेंस के दो टाइप्स की है, मैटर और सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहले टाइप का मैटर यानी प्योर सब्सटेंस और दूसरे टाइप का जो सब्सटेंस है वो दूसरे टाइप का सब्सटेंस यानी इम्प्योर सब्सटेंस, लेकिन उसको इम्प्योर सब्सटेंस नहीं बोलते, उसको मिक्सचर बोलते। सो सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस दैट इज मिक्सचर। और ये जो प्योर सब्सटेंसेस है इसके दो टाइप्स है, पहला टाइप है एलिमेंट्स और दूसरा टाइप है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और चौथा टाइप इनर्ट गैसेस कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के दो टाइप्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन कंपाउंड्स और दूसरा टाइप यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसी प्रकार से मिक्सचर के भी दो टाइप्स है, मिक्सचर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहले टाइप का मिक्सचर यानी होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरे टाइप का मिक्सचर यानी हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब ये क्लासिफिकेशन अपने को एक्सप्लेन करने का है। मैटर और सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस दैट इज मिक्सचर।
Here substances can further be classified into two types, elements and compounds. Elements are further classified into four types, compounds are further classified into two types, and mixtures can further be classified into two types, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. अब पहले अपन डेफिनेशन लेंगे प्योर सब्सटेंस की. मैटर या प्योर सब्सटेंस है क्या? कोई भी मैटर अगर अपन ने लिया तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल्स, कभी आयंस भी हो सकते हैं. अब प्योर सब्सटेंस है क्या? प्योर सब्सटेंस है ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मैटर जिसमें एक ही टाइप के, एक ही काइंड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहेंगे. अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग काइंड्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे. सभी एटम्स या सभी मॉलिक्यूल्स एक ही प्रकार के रहेंगे. दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. सो प्योर सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड. Pure substance can be defined as a substance which consists of large number to range, large number of atoms or molecules of the same kind, जिसमें एक ही टाइप के एटम्स या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो सब्सटेंस है ना प्योर सब्सटेंस. इसमें अपन एक ही टाइप के एटम्स या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स ऐसा लिख रहे हैं, एक ही टाइप के आयन्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही टाइप के आयन्स ऐसा अगर अपन ने बताया तो डेफिनेशन थोड़ी रॉन्ग हो जाएंगे. जैसे मान लो अपन ने सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड लिया, सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड है, ये मान लो प्योर है, इसमें दूसरा कंपाउंड मिक्सअप नहीं है, लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड है ये भले ही प्योर होगा लेकिन इसमें लार्ज नंबर ऑफ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस रहते हैं. मतलब इसमें एक ही टाइप के आयंस नहीं रहते, इसमें दो टाइप के आयंस रहते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टाइप के, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता, इसलिए डेफिनेशन में अपन आयन नहीं लेंगे, मॉलिक्यूल्स ही लेंगे. Na पॉजिटिव, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव आयन का एक मॉलिक्यूल समझ लेना. सो प्योर सब्सटेंसेस कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड. जैसे मान लो अपन ने हेलियम गैस लिया तो हेलियम में हेलियम के ही लार्ज नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, प्योर हेलियम. मान लो अपन ने प्योर वाटर लिया, वाटर एक कंपाउंड है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल, तो प्योर वाटर अगर अपन ने लिया तो प्योर वाटर में सिर्फ वाटर के ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं लेंगे. तो जो जिस सब्सटेंस में, जिस मैटर में एक ही प्रकार के एटम्स या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस. अब इसके दो टाइप्स है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम्स लिखना और कंपाउंड्स में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स लिखना. प्योर सब्सटेंसेस का पहला टाइप है एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स की डेफिनेशन अपन ने शुरू में अलग ली थी, यहाँ पर अपन इस प्रकार से लेंगे. एलिमेंट्स कैन बी डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल नहीं लिखना, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड. जिस प्योर सब्सटेंस में एक ही प्रकार के एटम्स रहेंगे, एक ही प्रकार के एटम्स यानी जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट रहा तो चलता. जिस प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के एटम्स रहेंगे वो प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट्स. अब मान लो अपन ने हेलियम गैस लिया तो हेलियम में हेलियम के लार्ज नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे. मान लो अपन ने हाइड्रोजन गैस लिया तो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल है, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल में दो दो हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे. मान लो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के 100 मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन के 200 एटम्स है, लेकिन वो सभी एटम्स एक ही टाइप के रहेंगे, हाइड्रोजन के रहेंगे, इसलिए हाइड्रोजन भी एलिमेंट है.
So elements can be defined as pure substances which consist of large number of atoms of the same kind. Or compound ke definition mein likhna, compounds are the pure substances which consist of large number of molecules of the same kind. This pure substance mein ek hi type ke atoms rahenge, wo elements. Aur jis pure substance mein ek hi type ke molecules rahenge, wo pure substance hai compounds. So elements can be defined as the pure substances which consist of large number of atoms of same kind, same type. Yani usi element ke atoms rahenge, dusre element ke atoms usme nahi rahenge. Ab elements ke char types: metals, non-metals, metalloids and inert gases. Iske bare mein detail mein apan periodic table mein lenge. Yahan par metals are the elements which have tendency to lose electron. Metals are the elements which have tendency to lose electron. जैसे sodium है, metal है, उसकी tendency electron lose करने के रहेंगे. Magnesium की tendency electron lose करने के रहेंगे. और metals में कुछ special properties रहती है, called metallic properties. और वो properties जिन elements में रहेंगे, वो properties वाले elements यानी metals. जैसे सोडियम है मेटल है. नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन. और नॉन मेटल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेटल से टोटली डिफरेंट है. जैसे क्लोरीन ये नॉन मेटल है, इट हैज टेंडेंसी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म सीएल निगेटिव आयन. या ये जो क्लोरीन का एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शेयर भी कर सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है. सो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन और टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स. इनके भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है. इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से अलग अलग है. मेटालाइट्स ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में के एलिमेंट्स है, इंटरमीडिएट एलिमेंट्स है. मेटालाइट्स आर द एलिमेंट्स which have some characteristics of metals and some characteristics of non-metals. ऐसे elements जिनमें metal के भी characteristics रहते हैं, जिनमें non-metal के भी characteristics रहते हैं. कुछ reactions में वो metal करके behave करते हैं, कुछ reactions में वो non-metal करके behave करते हैं. Those elements are called metalloids, arsenic, antimony, tin. These are the some examples of metalloids. ये सब periodic table में दिया है. और चौथे टाइप के एलिमेंट्स है inert gases. अब metals की tendency electron lose करने की रहती है, non-metals की tendency electron gain या share करने की रहेंगी. Metalloids की tendency दोनों प्रकार के रहेंगे. Metalloids कभी electron lose भी कर सकते हैं, कभी gain भी कर सकते हैं, कभी share भी कर सकते हैं. अब इसके opposite है inert gases. इनर्ट गैसेस में नॉर्मल कंडीशन में किसी प्रकार की टेंडेंसी नहीं रहेंगे. इनर्ट गैसेस डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस. एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. दे आर केमिकली इनर्ट, केमिकली इनएक्टिव, हाईली स्टेबल और वो सभी के सभी गैसियस है. एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस. हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन एंड सो ऑन. प्योर सब्सटेंसेस का दूसरा टाइप है कंपाउंड्स. कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मॉलिक्यूल रहता. तो कंपाउंड की डेफिनेशन अपन इस प्रकार की देंगे. यहाँ पर अपन ने एटम लिखा था, यहाँ पर अपन मॉलिक्यूल लिखेंगे. कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस which consist of large number of molecules of the same kind. This pure substance में एक ही टाइप के molecules रहेंगे. That pure substance is called compound. So compounds are the pure substances which consist of large number of
molecules of the same kind. जैसे अगर अपन ने मान लो प्योर वाटर लिया, 100% प्योर वाटर जो लिक्विड है, तो उसमें वाटर के यानी H2O के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देंगे. वाटर एक कंपाउंड है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O. और वाटर में, प्योर वाटर में सिर्फ H2O के ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे. तो प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड आर कॉल्ड कंपाउंड्स. अब कंपाउंड्स के भी दो टाइप्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब 118 एलिमेंट्स आर देयर इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और उसमें से एक एलिमेंट है कार्बन. और कार्बन से फॉर्म होने वाले जो कंपाउंड्स है दे आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स, या उनको पहले नाम दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ओल्ड नेम है, एक्चुअली वो इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी अभी भी यूज में है. एक्चुअली दे शुड बी कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स, बट दे आर कॉमनली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बन से फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स, कार्बन जब दूसरे एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन होता है, तब कार्बन से फॉर्म होने वाले जो कंपाउंड्स रहेंगे उन कंपाउंड्स को अपन कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और कार्बन छोड़कर बाकी के एलिमेंट से फॉर्म होने वाले जो कंपाउंड्स हैं दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये अपन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एलिम का, तब अपन इसको डिटेल में लेंगे. यहाँ पर शॉर्ट में लेने का अपने को समझने के लिए सिर्फ कार्बन से फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और कार्बन छोड़कर दूसरे एलिमेंट से फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. लेकिन उसको एक्सेप्शंस है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अपन कैरेक्टरिस्टिक लेने वाले हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी अपन कैरेक्टरिस्टिक लेंगे. भले ये कंपाउंड कार्बन से फॉर्म हुआ है, लेकिन इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसी नहीं है. इसकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जैसी है, इसलिए इट इज कंसिडर्ड एज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अब मान लो अपने वॉशिंग सोडा लिया, सोडियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला है Na2CO3. ये भी कार्बन का कंपाउंड है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. सोडियम साइनाइड NaCl, इसमें भी कार्बन है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है. वो छोड़कर कार्बन से फॉर्म होने वाले कोई भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कार्बन छोड़कर बाकी के एलिमेंट से फॉर्म होने वाले कंपाउंड यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे वाटर, वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज वाटर इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो दो एलिमेंट्स है, इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से वाटर फॉर्म होता है, इसमें कार्बन नहीं है. सो वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के एटम्स रहेंगे या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे. जिस प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के एटम्स रहेंगे दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स, और जिस प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो प्योर सब्सटेंस यानी कंपाउंड्स. एलिमेंट्स के ये चार टाइप्स, कंपाउंड्स के ये दो टाइप्स. अब प्योर सब्सटेंस की जो डेफिनेशन अपन ले ली है, उसके अपोजिट डेफिनेशन है मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहेंगे. इसके उल्टा मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा टाइप के, दो या दो से ज्यादा काइंड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहेंगे. सो मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. ये
सभी डेफिनेशन एकदम ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, प्योर सब्सटेंस के अपोजिट डेफिनेशन मिक्सचर की है, इतना ध्यान में रखना। प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर में डिफरेंट काइंड्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स। सो मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ atoms or molecules, and generally the matter or substance that we came across are generally mixtures अपने आस पास के, अपने डेली लाइफ में के जितने भी substances के साथ में अपन डील करते हैं वो जनरली इम्प्योर रहते हैं, मतलब वो जनरली मिक्सचर ही रहता है। जैसे मान लो अपन ने ड्रिंकिंग वाटर लिया, तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या बोरिंग से निकाला गया ड्रिंकिंग वाटर, ये कभी प्योर नहीं रहता, वो मिक्सचर ही रहता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व रहते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस बट इट इज टू बी कंसिडर्ड एज मिक्सचर। उसमें सॉल्ट भी रहते हैं, सोडियम के सॉल्ट, पोटेशियम के सॉल्ट, कैल्शियम के सॉल्ट, मैग्नीशियम के सॉल्ट। वाटर में अगर सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट है तो दैट वाटर इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, और वाटर में अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड है तो दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। और वाटर का कोई भी सैंपल अगर अपन ले लिया तो वो मिक्सचर ही रहेगा, उसमें सॉल्ट भी रहेंगे, सॉल्ट के आयंस रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वाटर के भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अलग अलग काइंड के उसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे। सो ड्रिंकिंग वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, और ये जो ड्रिंकिंग वाटर है ये दो प्रकार का रहता है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर कंटेंस सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, एंड हार्ड वाटर कंटेंस सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना है वो अपन प्रैक्टिकली डिटरमिन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। ये सब प्रैक्टिकल का पार्ट है। वाटर अपन प्योरीफाई कर सकते हैं, उसके लिए लेटेस्ट मेथड है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से जो वाटर अपने को मिलता है वो 100% प्योर मिल सकता है, लेकिन जनरली 100% प्योर वाटर भी तबीयत के लिए ठीक नहीं रहता। वाटर में कुछ ना कुछ मिनरल्स रहने चाहिए, 100% प्योर वाटर भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। वाटर में कुछ ना कुछ मिनरल्स रहने चाहिए, लेकिन वो जो मिनरल्स है, सॉल्ट्स है वाटर में, उसकी क्वांटिटी एक लिमिट के ऊपर नहीं होना चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर में का जो सॉल्ट रहता उस सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो TDS में एक्सप्रेस करते हैं। TDS का मतलब टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट। तो आपके यहाँ पर भी अगर वाटर आता है तो वो वाटर पीने के लायक है या नहीं है ये देखने के लिए उसकी टेस्ट करवा लेना, लेबोरेटरी में जाके उसका TDS निकाल लेना। TDS की एक लेवल दी है, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। TDS की लेवल अगर 100 से ज़्यादा है तो वो ड्रिंकिंग वाटर अपने लिए हार्मफुल रहता, और TDS की वाटर लेवल चलो TDS की लेवल ड्रिंकिंग वाटर में अगर 100 से कम है तो वो अपने लिए हार्मफुल नहीं रहता। कहने का मतलब अपने आसपास के जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपन यूज में लाते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस नहीं रहते, वो जनरली मिक्सचर ही रहते। सो मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज ए substance which consists of large number of atoms or molecules of different kinds, और इसके भी दो types है, homogeneous mixture और heterogeneous mixture। homo ये ग्रीक वर्ड है, hetero भी ग्रीक वर्ड है, homo का मतलब same, hetero का मतलब different, homogeneous का मतलब एक जैसा uniform, और heterogeneous का मतलब different mixture, different kinds। ये जो मिक्सचर का क्लासिफिकेशन है, ये मिक्सचर का क्लासिफिकेशन और इसके कुछ एग्जांपल्स अपन अगले वीडियो में देखेंगे।